हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। गाइस, आज मैं आपके साथ बहुत ही टेस्टी एंड बहुत ही सॉफ्ट मिठाई शेयर करने वाली हूँ, जो खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो गाइस, इस मिठाई को बनाने के लिए हमें लेना है एक कढ़ाई और उसमें डालना है मावा। तो गाइस, मेरे पास मावा रखा था तो मैंने इसे यूज कर लिया। अगर आपके पास मावा नहीं तो आप दूध से मावा बना सकते हो, जिसे बनाना बहुत ही आसान है। तो गैस, बस मावा सारा ऐड कर देना। इसके बाद इसको थोड़ा सा पका लेना है। गैस के फ्लेम को मीडियम ही रखना है, ज़्यादा हाई नहीं रखना है। तो गैस, इस तरीके से पकाने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे शुगर। और गैस, ये मिठाई ना बहुत ही टेस्टी लगती है। और गैस, अगर आपको मावे की रेसिपी चाहिए तो मुझे कमेंट में बताइएगा, मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करूँगी। बस अच्छे से ये देखिए, इतना भूनने के बाद अब मैं इसमें ऐड करूँगी चीनी। गैस, आप जैसा मीठा खाना पसंद करते हो, कम या ज़्यादा, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें पिसी हुई शुगर ऐड कर सकते हैं। बस इसे अच्छे से कर लेना है मिक्स। और गैस, मैंने यहाँ पर शुगर के साथ इलायची भी मिक्स कर दी थी, इसे अच्छे से पीस लिया था। बस इसे डालने के बाद, अच्छे से मिक्स करने के बाद इसे अच्छे से पका लेना है, जब तक कि थोड़ा सा खोवा हमारा गोल्डन ना हो जाए। थोड़ा सा खोवा को ब्राउन करना है और जैसे मिल्क केक का कलर होता है ना, बिल्कुल वैसा बनाना है। और गैस, इसका टेस्ट बिल्कुल मिल्क केक की तरह आएगा और बहुत ही टेस्टी मिठाई है। आप इसे मिल्क केक बोल सकते हो, मावे की बर्फी बोल सकते हो, आप कोई भी नाम इसको दे सकते हो। बस गैस, इसे अच्छे से पका लेना है। और ये देखिए, हमारा मावा पक चुका है। अब हम गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे। तो गैस, मैंने यहाँ पे गैस के फ्लेम को बंद कर दिया है। अब इसे थोड़ा सा ठंडा कर लेना है। ये देखिए, हमारा मावा रेडी हो चुका है। अब चलिए इसको हम जमा देते हैं। इसी तरीके से आपको एकदम परफेक्ट इतना ही आपको बनाना है। तो गैस, ये देखिए एकदम ठंडा हो चुका है। अब मैंने यहाँ पे ले ली है एक थाली, जिसमें मैंने थोड़ा सा घी लगा दिया था। अब इसमें ऐड करेंगे और इसको शेप दे देंगे। आप चाहे तो गैस, जैसा आपको शेप देना है वैसा दे सकते हो। मैं इसे अच्छे से चकोर कर लूँगी, फिर मैं इसकी बर्फ़ी काटूँगी जब ये ठंडा हो जाएगा। तो इस तरीके से अच्छे से मैं इसको चिकना कर लूँगी। और गैस, इस मिठाई को बनाना भी बहुत ही आसान है। सिर्फ 10 मिनट में ये मिठाई रेडी हो गई। अगर आपके पास खोआ है तो आपको ये मिठाई बनाने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। बहुत ही जल्दी ये मिठाई रेडी हो जाएगा और बहुत ही दानेदार और बहुत ही टेस्टी बनता है। तो बस इस तरीके से अच्छे से इसको हमें चिकना कर लेना है और इसको शेप दे देना है, स्क्वायर शेप दे देना है। तो गैस, अब इसके ऊपर हम लगाएंगे ड्राई फ्रूट्स। तो मैंने यहाँ पे लिया है बादाम। आपको जो ड्राई फ्रूट्स पसंद हो आप यहाँ पे उसे ऐड कर सकते हो। अगर आप पिस्ता डालना चाहते हो पिस्ता डाल सकते हो, या फिर आप काजू भी ऐड कर सकते हो। बस अच्छे से इसको सजा लेना है। इसके बाद गैस, इसे रख देना एक घंटे के लिए फ्रिज में, जिससे कि अच्छे से सेट हो जाए। फिर इसके बाद मैं कट करूँगी। तो गैस, अब मैं इसे एक घंटे के लिए फ्रिज में रख देती हूँ। तो गैस, ये देखिए एक घंटे बाद अच्छे से सेट हो चुका है। अब मैं चाकू की हेल्प से इसको कट कर लूँगी। और गैस, ये बर्फी बहुत ही सॉफ्ट बनी, देखिए कितनी आसानी से कट हो जा रहा है। तो गैस, मैंने अच्छे से इसको कट कर लिया है। अब मैं आपको पास से दिखाऊंगी कि कितनी टेस्टी मिठाई लग रही है। और गैस, इस मिठाई को बनाना बहुत ही आसान है, ज़्यादा समय भी नहीं लगता और बहुत ही जल्दी बन जाता है और खाने में तो बहुत ही टेस्टी लगता है। ये देखिए कितना डिलीशियस लग रहा है। अब मैं आपको ना तोड़ कर भी दिखाऊँगी कि कितनी दानेदार और कितनी टेस्टी बनी है। आई होप गाइस, आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। गाइस, रेसिपी अच्छी लगी हो तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।